हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पिक रीडिंग डायोड भैकम ट्यूब वोल्ट मीटर हम लोग पिक रीडिंग डायोड वैकम ट्यूब वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं कर आर द मोस्ट कॉमन ऑफ द मेनी भैकम ट्यूब अरेंजमेंट्स डेट आर यूज एज ए भैकम ट्यूब वोल्ट मीटर इज द डायोड पिक रीडिंग वोल्ट मीटर जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वैकम ट्यूब वोल्टमीटर में वो कौन सा है पिक रीडिंग डायोड वैकम ट्यूब वोल्टमीटर फोर पिक रीडिंग भैकम ट्यूब वोल्टमीटर फोर टाइप्स ऑफ कॉमन अरेंजमेंट आर यूज पीक रीडिंग वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर में चार तरह का हम लोग कनेक्शन करते हैं ये पीक रीडिंग वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर जो है चार टाइप का होता है कौन कौन सा सीरीज टाइप सन टाइप कॉम्पनसेटेड सन टाइप और स्लाइड बैक टाइप ये चार टाइप का होता है पिक रीडिंग डायोड भैकम ट्यूब वोल्ट मीटर जिसमें इस वीडियो में हम लोग सीरीज टाइप को पढ़ेंगे तो सीरीज टाइप में देखिए यहाँ पे जो है भैकम ट्यूब डायोड है उसके सीरीज़ में हम लोग एक लोड असिस्टेंस आर यूज किए हैं और यहाँ पे पीएमएमसी मीटर का हम लोग सीरीज में आर और पीएमएमसी मीटर को सीरीज़ में किए हैं और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है अब देखिए कह रहा है सीरीज टाइप पिक रीडिंग वोल्ट मीटर इज एन ऑर्डिनरी डिटेक्टर इम्प्लॉइंग हाई लोड रेसिस्टेंस आर एंड ए पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट से माइक्रो एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज कर रहा है सीरीज टाइप पिक रीडिंग वैकम टू वोल्ट मीटर जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं हाई लोड रेसिस्टेंस को यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई है उसके सीरीज में एक हम लोग पी मीटर का यूज़ करते हैं जो माइक्रो एमीटर होता है माइक्रो एमीटर होता है और कनेक्टेड क्या होता है सीरीज में दोनों कनेक्टेड है एट इट एट इच पॉजिटिव पिक ऑफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज द कैप्सीटर सी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डैट इज इक्वल टू द पिक वोल्टेज कह रहा है जो हम लोग इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं ई एम ओमेगा टी उसके प्रत्येक पिक पॉइंट पे पिक पॉइंट पे क्या होता है आपका कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाता है जो किसके इक्वल होता है इक्वल टू पिक वोल्टेज होता है थ्रू द पिक वोल्टेज ये इस समय जो है फुल चार्ज होता है इनपुट जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके पिक पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे कैपेसिटर क्या होता है फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद क्या होता है ये जो रेसिस्टेंस है रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है लीक ऑफ होना शुरू हो जाता है बिटवीन पिक्स ए स्मॉल पोर्सन ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर लिक्स ऑफ थ्रू द रेसिस्टेंस आर जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है वो क्या होगा लीक करना शुरू हो जाएगा डिस्चार्जिंग का होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू रेसिस्टेंस जो हाई वैल्यू रेसिस्टेंस है उसके कारण क्या होगा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका फुल्ली चार्ज हो गया और फिर क्या होगा ये लीक कर रहा है ये क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पल्स को अप्लाई करते हैं या करेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पर फिर करेंट को अप्लाई करते हैं एट द यहाँ पे देखिए लेकूसिंग स्मॉल फॉल इन दैप्सिटन कैप्सिटन में क्या होगा स्मॉल फॉल हो जाता है एट द पॉजिटिव पिक ऑफ द नेक्स्ट साइकिल द चार्ज दैट हैज बीन लॉस्ड इन दिस वे इज गिवेन बैक बाई ए पल्स और करेंट थ्रू द डायोट कर रहा है एट द पॉजिटिव पीक ऑफ द नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट साइकिल का जो पॉजिटिव पीक होगा ये नेक्स्ट साइकिल का जो पॉजिटिव पीक होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं फिर पल्स को अप्लाई करते हैं या करंट थ्रू द डायोड डायोड से जो करंट आता है उसको हम लोग फिर नेक्स्ट पल्स में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके फिर हम लोग क्या करते हैं पीक पॉइंट को गेन कर लेते हैं द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी एंड हेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस आर इज़ देयर बाय अगेन बिल्ट अप ऑलमोस्ट टू द पीक ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज फिर जो हम लोग क्या करते हैं जो पीक वोल्टेज जो हम लोग इनपुट वोल्टेज दिए हैं फिर उसके बराबर कर देते हैं कैसे जो आर के द्वारा जो लीक हुआ है जो चार्ज कम हुआ है उसको फिर हम लोग पल्स या करेंट डायोड मिथ का जो करेंट है उसको अप्लाई करके इंक्रीज़ कर देते हैं किसके बराबर करते हैं इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं उसके बराबर कर लेते हैं आइदर द एवरेज वोल्टेज एक आर और द एवरेज करेंट थ्रू आर कैन बी यूज टू इंडिकेट द पिक ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज हम लोग क्या क्या करते हैं आइदर एवरेज वोल्टेज एक्रॉस आर आर के अक्रॉस जो है एवरेज वोल्टेज या एवरेज करेंट थ्रू आर इसमें जो एवरेज करेंट है थ्रू आर उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं पीक ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं उसको हम लोग यहाँ से रजिस्टेंस के करॉस आर वोल्टेज के करॉस हम लोग करते हैं या फिर रजिस्टेंस में जो करेंट आएगा एवरेज करेंट उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं जो कि पिक अप्लाइड वोल्टेज हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं तो इस लेक्चर में हम लोग पिक रीडिंग डायोड भैकम वोल्ट मीटर को देखें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच